एवरीवन, आज मैं आपको एक बहुत सिंपल सा, इजी सा, टेस्टी सा और चीजी सा नाश्ता बना के दिखाने जा रही हूँ। हम बनाने जा रहे हैं चिली चीज टोस्ट। तो बहुत इजी सी डिश है, घर में आपके जो भी सामान अवेलेबल होता है, बेसिकली सबके यहाँ अवेलेबल होता है ये सामान, उसी से बहुत आसानी से ये बन जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो टोस्ट बनाने के लिए मैंने ये 4 ब्राउन ब्रेड ली हैं। ये नॉर्मल छोटे साइज की ब्रेड हैं जो मार्केट में अवेलेबल रहती है। मैंने कोई दूसरी सैंडविच ब्रेड वगैरह नहीं लिया है। आपको चाहिए जो भी ब्रेड आप यूज़ करना चाहें, वाइट ब्रेड या ब्राउन ब्रेड, जो भी आप चाहें वो यूज़ कर सकते हैं। मैं ये वाली यूज़ कर रही हूँ छोटे साइज़ की। तो इसको सबसे पहले हम इसके लिए इसका स्प्रेड रेडी कर लेंगे। तो स्प्रेड रेडी करने के लिए मैं बताती हूँ आपको क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हमने लिया है ये अमूल का बटर। आप कोई सा भी बटर यूज़ कर सकते हो, आप जो भी बटर खाते हो। तो मैं इसमें से अराउंड मैंने ये 20 ग्राम बटर ले लिया है। और इस बटर में हम बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। तो बटर लेने के बाद मैंने गार्लिक लिया था, 2 कलियां ली थी मैंने गार्लिक की। ओके, तो उसको मैंने एकदम क्रश कर लिया है। जो आपका वो अदरक कूचने वाला होता है ना, उससे मैंने एकदम इसको क्रश कर लिया है। आप चाहिए तो इसको मिक्सी से भी कर सकते हो, पर 2 कलियों को तो आप कैसे ही करोगे, तो उसको आप क्रश कर लेना किसी भी हैवी आइटम से। उसको आप क्रश कर लोगे और उसको हम इसमें ऐड करेंगे। ये मैंने सिर्फ 2 कलियां ली थी। आप अगर ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो आप 3 या 4 कलियां भी ले सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने बटर कितना लिया है, उसकी मेजरमेंट के हिसाब से ही हमें गार्लिक लेना है। तो मैंने 20 ग्राम बटर लिया है, तो उसके हिसाब से मैंने 2 बड़ी गार्लिक की कलियां ली थी। तो इसको ऐड करने के बाद इसमें हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद ये मेरे पास चिली फ्लेक्स हैं, तो इसमें हम चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। मेरा एक ही में काम हो गई है, अराउंड 1/4 टेबल स्पून है चिली फ्लेक्स। आप जैसा तीखा वगैरह यूज़ करना चाहते हैं, इसमें आप ग्रीन चिली भी यूज़ कर सकते हैं फाइन चॉप करके। मैं नहीं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैंने चिली फ्लेक्स ले लिया। मैं एक चिली फ्लेक्स और लूँगी। तो ये बेसिकली मेरा 1/2 टेबल स्पून का चिली फ्लेक्स हो गया। मैं चिली फ्लेक्स इसमें ऐड कर रही हूँ और साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ऑरिगेनो 1/2 टेबल स्पून। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये जो स्प्रेड हम बना रहे हैं, इसे हम गार्लिक बटर बोलते हैं। ये आप बाहर कहीं मार्केट में बना बनाया गार्लिक बटर भी मिलता है, तो आप वो भी ले सकते हैं। ये हमारा स्प्रेड रेडी हो गया है, एकदम परफेक्टली फाइनली मेरा स्प्रेड रेडी हो गया है। तो अभी हम आगे इसमें क्या क्या लेने वाले वो मैं आपको बता देती हूँ। इसके लिए हमें लगेगी चीज़। तो इस तरीके का ये चीज़ क्यूब आता है ना, तो आप ये ले सकते हो। मैंने ये एक चीज़ क्यूब लिया हुआ है। आप चीज़ क्यूब यूज़ कर सकते हो या फिर उसके जगह पे आप ये चीज़ के शीट्स यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आपको ये मार्केट में मिल जाते हैं बहुत इजीली। तो मैं आपको दोनों चीज़ों का बना के दिखाऊंगी, चीज़ क्यूब का जो मैंने लिया है उसका भी बना के दिखाऊंगी, और जो मैंने शीट लिया हुआ है उसका भी बना के दिखाऊंगी। तो अभी हम ब्रेड ले लेते हैं अपनी, और ब्रेड पे जो हमारे स्प्रेड है उसको अच्छे से लगा लेंगे उसको अच्छे से। तो इसमें आप ग्रीन चिलीज भी यूज़ कर सकते हो। जैसे अगर आप चिली फ्लेक्स नहीं पसंद करते हो ना, तो आप ग्रीन चिलीज भी यूज़ कर सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है उसमें। मैंने इसमें स्प्रेड में चिली फ्लेक्स डाल दिया है। जो भी आपका टेस्ट है उस हिसाब से आप इसको बना सकते हो। अच्छा, इसमें जो सॉल्ट होता है ना, मैंने सॉल्ट अभी इसलिए नहीं डाला है क्योंकि चीज़ में भी सॉल्ट होता है। ओके, और जो हम बटर यूज़ कर रहे हैं उसमें भी ऑलरेडी सॉल्ट होता है पहले से, तो एनी वेज इसमें सॉल्ट जाएगा ही जाएगा। और अगर आप ज़्यादा सॉल्ट खाते हो
तो उस केस में आप इसमें जो हमने स्प्रेड बनाया है ना उसमें आप अलग से सॉल्ट ऐड कर सकते हैं। तो मैंने नहीं ऐड किया है, थोड़ा तीखा और चाहिए तो आप इसमें काली मिर्च यूज़ कर सकते हो, लेकिन क्योंकि हम बेसिकली ये गार्लिक स्प्रेड बना रहे हैं तो उसमें मैंने वो नहीं यूज़ किया हुआ। तो ये हमने सारी अपनी चारों ब्रेड अप्लाई कर लिया है बटर इस पर। ये हमारा गार्लिक बटर जो हमने बनाया था ये हमने इस पर अप्लाई कर लिया है बहुत अच्छे से। तो आप बहुत अच्छे से देख सकते हो कि अभी सिर्फ मैंने स्प्रेड लगाया है और ये कितने प्यारी लग रही है अभी से ही, और टेम्पिंग भी लग रही है। तो अभी चलिए हम इस पर चीज़ स्प्रेड कर लेते हैं। तो जैसे मैंने बोला मैं एक आपको इससे बना के दिखाऊंगी। इस पर आप चाहो ना वेजीज भी यूज़ कर सकते हो थोड़ा सा, तो आपका जो टोस्ट है वो वेजी टोस्ट भी हो जाएगा। तो जो भी वेजीज आपको पसंद है कॉर्न लगा सकते हो, कैप्सिकम ले सकते हैं, और आपको इसमें कॉलीफ्लावर डालना है कॉलीफ्लावर डाल सकते हो, जो भी आप पसंद करते हो तो वो सब आप डाल सकते हो उसमें वेजीज में, चीज़ में, और पनीर यूज़ कर सकते हो ग्रेट करके। तो इसमें मैंने ढेर सारा चीज़ डाल दिया है, बचा वाला चीज़ भी डाल देते हैं इसमें, अच्छा सा चीज़ी सा बनेगा। तो ये हमने इसको बिल्कुल फिल कर दिया है चीज़ से, और इसमें हमें ऊपर से कुछ डालने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमने ओरिगेनो और वो अपना चिली फ्लेक्स पहले से इसमें ऐड कर रखा है। तो अभी मैं लूँगी इसमें हम ये अपनी चीज़ जो चीज़ स्प्रेड है इसको निकाल लेंगे। और ये चीज़ स्लाइस हमने अनमोल्ड कर ली है और ये हम उस पर लगा देंगे। सेम हम बाकी की ब्रेड्स के साथ भी करेंगे, तो निकाल के और लगा देंगे। सो गाइस ये टोटली ऑप्शनल है, आपके ऊपर है कि आप चीज़ स्लाइस यूज़ करना चाहते हो या आप ग्रेटेड चीज़ यूज़ करना चाहते हो। ग्रेटेड चीज़ में भी आप मोज़रेला चीज़ भी ले सकते हो और नॉर्मल प्रोसेस चीज़ भी ले सकते हो। तो ये हमारा इतना रेडी हो गया है, अब इसको हम ग्रिल करते हैं। तो इस बार हम अवन नहीं यूज़ कर रहे हैं, मैं इसको नॉर्मल गैस पे पकाऊंगी। तो मैंने एक ये पैन ले लिया है और गैस ऑन कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा हीट अप होने देते हैं। अभी हमें क्या करना है, थोड़ा सा बटर ले रहे हैं और इसे अच्छे से स्प्रेड कर देना है। जितना बटर आप खाना चाहते हो जिसे स्प्रेड कर देंगे। और एक ये हमारा ग्रेटेड चीज़ वाला मैं इसमें रख रही हूँ पहले, और एक मैं अपना ये चीज़ स्लाइस वाला डाल दूँगी। और इसे हम लिड से कवर कर देंगे और इसे हार्डली 1 मिनट के लिए, 1 से 1.5 मिनट के लिए इसको हम पकने देंगे मीडियम आंच पे। गाइस मैं आपको एक चीज दिखा रही हूँ, इसमें देखिए ये जो मैंने चीज स्लाइस वाला लिया हुआ था ये इतनी जल्दी मेल्ट हो जा रहा है, मतलब इसको कुकिंग का टाइम कम लग रहा है। और जो ये हमने स्प्रेड किया हुआ है ग्रेटेड चीज इसको पिघलने में टाइम लग रहा है, और ये सारा काम हमको लो फ्लेम पे करना है नहीं आपकी ब्रेड जो है ना नीचे से जल जाएगी।
अब इसी कंडीशन में इस पे मैं थोड़ा सा ओरिगैनो ऊपर से स्प्रेड करूंगी, क्योंकि हमने ओरिगैनो कम लिया था ना पहले, इस पे भी डालना है थोड़ा सा। थोड़ा सा प्रेजेंटेशन भी अच्छी हो जाती है और लुक भी अच्छे लगते हैं और टेस्ट भी बढ़ जाता है। तो आप देख सकते हैं ये चीज़ काफ़ी मेल्ट हो चुका है अच्छे से। इसको हम 30 सेकेंड्स के लिए और ढक के पकाएंगे, ताकि जो हमारा दूसरा वाला है ना वो अच्छे से पक जाए, ऑल्दो हमारा चीज़ स्लाइस वाला ऑलमोस्ट पक चुका है। 30 सेकेंड्स हो गए हैं एंड ये देखिए, दोनों के दोनों अच्छे से मेल्ट हो गए हैं और अब हम इसे ट्रे पे वापस निकालेंगे। अभी एकदम ताजा ताजा निकाला है ना, तो इसको हम बिल्कुल भी अभी कटिंग नहीं करेंगे, नहीं तो हमारी सारी की सारी जो चीज है ना वो एकदम से बेकार हो जाएगी, वो पूरी आपकी नाइफ में ही रह जाएगी कटिंग करने के चक्कर से और आपका सारा चीज वेस्ट हो जाएगा। तो ये मैं दूसरा बैच इसमें डाल दे रही हूँ और इसको भी ऐसे कर, और इसको भी ढक देंगे। पहले एक मिनट ढक के पकाएंगे, फिर उसके ऊपर ऑरिगेनो स्प्रेड करेंगे एंड देन अगेन 30 सेकेंड्स के लिए पकाएंगे एंड यू आर रेडी टू गो। तब तक से हम जो हमने निकाल लिया है उसको हम कटिंग कर लेते हैं। सो मीनवाइल हमारी बाकी दो ब्रेड्स रेडी हो रही हैं, हम इनको कट कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने ये नाइफ लिया है ना, इसकी एजेस ऐसी हैं, तो इसको हम कट कर लेते हैं। तो इसको आपको मिड से कट करना है, आप मिड से कट कर सकते हो रेक्टेंगुलर शेप में। मैं इसे डायगनली कट करूंगी ताकि ये ट्रायंगुलर शेप में आए, बेसिकली टोस्ट या सैंडविचेस हम लोग इसी शेप में हम लोग को मिलते हैं खाने के लिए। तो ये मैंने इसको कट कर लिया है एंड सेम इसको भी मैं कट कर देती हूँ। एक चीज़ आपको बता देती हूँ, दोनों के टेस्ट में बहुत रेयर डिफरेंस होगा बिकॉज ऑफ द चीज़, क्योंकि आप देख सकते हो ये वाइट चीज़ है, चीज़ स्लाइस मैंने यूज़ करी है और ये जो मैंने यूज़ किया है ये चीज़ को मैंने ग्रेट करके फिर यूज़ किया है, दोनों के टेस्ट में ऑब्वियसली डिफरेंस होगा। बाकी के दोनों भी निकाल लेते हैं। आपको बिल्कुल भी भूलना नहीं है, जब हम इसे पैन से बाहर निकालेंगे तुरंत कट नहीं करना है, क्योंकि चीज़ जो होती है वो मेल्ट हो रखी होती है, उसको सेट होने के लिए हमें 15 से 20 सेकंड के लिए उसे छोड़ देना है, ताकि जब आप इसको कट करो तो ये आपके नाइफ के साथ आपकी सारी चीज़ बाहर ना आ जाए। ओके, तो ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ये मैंने अभी अभी निकाला है, इसको मैं 15 सेकंड के लिए बिल्कुल छोड़ने वाली हूँ ताकि ये थोड़ा सा सेट हो जाए, जैसे ये वाले सेट हो गए हमारे, सेम ये भी सेट हो जाए और तभी मैं इसको काटूंगी। आई गेस बातें करते करते ऑलमोस्ट 15-20 सेकंड हो ही गए हैं, तो ये देखिए ये हल्का हल्का सेट हो गया है, तो मैं इसको कट कर ले रही हूँ। थोड़ा आपको ध्यान देना है कि गर्म भी है, क्योंकि पैन से अभी अभी निकला है। ये देखिए दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, ये भी मेल्ट है तो इसको हमें सेट होने के लिए थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। वेयर इज हम बात करें जो हमने ग्रेट करके चीज़ डाली थी ना, इसके साथ ये ऐसा नहीं होगा, लेकिन अगर आप चीज स्लाइस यूज कर रहे हैं तो उसके साथ ऐसा हो सकता है। तो इसको हम कट कर लेते हैं। मुझे तो चीज बहुत पसंद है और चीज देख के तो मेरे मुंह में पानी आ जाता है बिल्कुल, और अभी आई कैन नॉट रिजिस्ट। तो ये मैं सारी कट कर ली है, अब इसको हम प्लेट में लगा देते हैं। मैंने ये प्लेट ले लिया है, ट्रे ले लिया है,
तरीके से डेकोरेट कर लेंगे। आपको एक चीज़ और चेक करा देती हूँ कि देखिए हमारी पीछे से भी ब्रेड बहुत अच्छे से सिक गई है, बिल्कुल भी कच्ची नहीं है, है ना, पीछे से अच्छे से सिक गई है। हमने इसको अच्छे से सेक लिया है पीछे से सारी ब्रेड्स को, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आगे से इसको कुक किया है, इसीलिए हमने इसमें बटर यूज़ किया था और इसको सेक लिया था पीछे से भी। सो यू कैन सी कैसा लग रहा है। प्लीज़ मेरी रेसिपी को ट्राई करिएगा, बहुत इजी है, बहुत जल्दी बन जाती है और बहुत अच्छी लगती है खाने में, एकदम चीज़ी सी। इफ़ यू आर अ चीज़ लवर डू ट्राई एंड मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी ये वाली कैसी लगी। और जैसे कि मैंने कहा, आप इसको वेजी टोस्ट भी बना सकते हो इसमें वेजीज ऐड करके। मुझे सिर्फ चीज़ टोस्ट खाना था तो मैंने चीज़ टोस्ट बनाया है और साथ में ये टमाटो केचप लिया हुआ है। आप इसकी जगह पे कोई सा भी मस्टर्ड केचप, मस्टर्ड सॉस या फिर जो भी मेयोनीज वगैरह आप जो भी पसंद करते हो आप खा सकते हो। आई लाइक टमाटो केचप, सो ये टमाटो केचप के साथ आप इसको सर्व करो। एंड आपको मैं ये दिखाती हूँ ये कितना अच्छा लग रहा है, टेक्सचर देखो आप इसका, ये देखिए चीज़ी। लग रहा है ना टेस्टी। सो मेरी रेसिपी को ट्राई करिए और मेरे वीडियो को लाइक करिए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगेन मिलते हैं कुछ दिनों बाद एक नई रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।